वैसे तो बेचारे चिली पनीर को हम सब ने स्टार्टर कैटेगरी में रखा हुआ है, लेकिन अगर हमको थोड़ा सा क्रंची और एकदम बेहतरीन चिली पनीर मिल जाए तो एक बार तो मन करेगा कि हम इसी को मेन कोर्स बना लें। चलिए तो बनाते हैं चिली पनीर। मैं हूँ आपका अपना हमारा कुक। तो सबसे पहले पनीर की कोटिंग के लिए थोड़ा सा बैटर बना लेते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच मैदा, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी लाल मिर्च और थोड़ा सा पानी। पानी की क्वांटिटी आपको इतनी रखनी है ताकि जो बैटर है एकदम पतला नहीं हो जाए, आपको बैटर थोड़ा सा थिक रहना है। देखो इतना थिक। अब जो पनीर है उनको क्यूब शेप में काट के अच्छे से, जो ये पेस्ट हमने बनाया है, जो बटर है उसको अच्छे से चारों तरफ पनीर के ऐसे सारी तरफ अच्छे से लगा लेना है। वैसे तो इतनी क्वांटिटी 2 दिनों के स्टार्टर के हिसाब से काफ़ी है, पर अगर बहुत अच्छे लग गए तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। अब थोड़ी देर इनको रेस्ट पे रखने के बाद इनको हमको फ्राई करना है। अब फ्राई करने के लिए सिंपल टेक्निक है, आपको तेल लेना है और जो तेल है उसकी फ्लेम पूरे प्रोसेस में हमको मीडियम फ्लेम पे रखनी है। और जैसे ही हमारे सारे पनीर की कोटिंग लाइट गोल्डन ब्राउन से हल्का सा डार्क गोल्डन ब्राउन की तरफ जाने लगे तो इसका मतलब हमारे पनीर जैसे हमको चाहिए थोड़े से टाइट और क्रंची हो गए। अब इन पनीर को रखते साइड में और अब आती है सब्जियों की बारी। एक पैन में 1 चम्मच तेल। अब चिली पनीर बनाते वक्त याद रखना कि हमको हर बार तेल यूज़ करना है, गलती से भी घी यूज़ मत कर लेना। तो सबसे पहले इसमें डाल देते 2 से 3 बारीक कटे हुए लहसुन। अब चिली पनीर में बहुत अच्छी बात होती है कि हमको इसमें सब्जियां अच्छे से बारीक नहीं काटनी होती, जो भी सब्जी हम डालेंगे सारी रफली चॉप। तो 1 बड़ा प्याज रफली चॉप, 1 शिमला मिर्च वो भी रफली चॉप। अब बहुत लोगों को बहुत जल्दी होती है अपने पनीर इसमें डालने की, देखो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, पहले सारी सब्जियां अच्छे से पकने देनी है, उसके बाद लास्ट में जाके पनीर ऐड करना है। फिर 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 1 थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच नॉर्मल टमाटो सॉस। अब इसमें हमको पानी ऐड करना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर से 2-3 बार में। अब अच्छे से चॉप किए हुए स्प्रिंग अनियन की दोनों साइड, व्हाइट और ग्रीन दोनों साइड, वो ऐड कर लेनी है इसमें। देखो ग्रेवी वैसे तो पूरी हमारी रेडी हो चुकी है, लेकिन इसको थोड़ा सा लाइट और थिक करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए 1 कटोरी में कॉर्नफ्लावर और पानी का थोड़ा सा मिक्सचर बना के इसमें ऐड कर लेंगे। अब सिर्फ पनीर डालने की देरी है। तो हमने जो पनीर फ्राई कर लिए थे वो भी इसमें ऐड कर लेंगे और थोड़ी सी देर, सिर्फ 2 मिनट और पकाना है इनको। तो रेडी हमारे चिली पनीर।